नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। टेलीविजन की बालिका वधू यानी कि आनंदी अब बड़ी हो चुकी है। अविका गौर 30 जून को आज अपना 26वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। बता दें कि अविका गौर उन अदाकारों में से हैं जिन्होंने कम उम्र में ही कामयाबी को हासिल कर लिया। छोटे पर्दे पर तो करियर चमका ही, बल्कि साउथ इंडस्ट्री में भी अपनी काबिलियत को दिखाया। अविका गौर ने अपनी मेहनत के दम पर नेम फेम बेशुमार दौलत कमाई है। तो आज वो लग्जरी लाइफ जीती हैं। उनकी कुल संपत्ति को अगर आप जानें तो आपको भी 440 वर्ल्ड का झटका लग सकता है। बता दें कि अविका गौर ने सीरियल कोई है के साथ डेब्यू किया था। इसके बाद एक साल बाद ही अविका राजकुमार आर्यन के साथ राजकुमारी भैरवी बनी थी। उन्होंने अपनी राजकुमारी के किरदार से पहचान हासिल की और साथ ही धीरे धीरे उन्होंने कई और शोज किए। लेकिन अगर कहा जाए तो स्टारडम की बात तो उन्हें बालिका वधू में समझ आई, क्योंकि बालिका वधू सीरियल करने के बाद अविका को एक अलग तरीके का स्टारडम मिल गया। पहचान तो उन्होंने बना ही ली थी, लेकिन स्टारडम अविका गौर को बालिका वधू सीरियल से मिला। अविका गौर ने 11 साल की उम्र में कलर्स के सुपरहिट शो बालिका वधू में छोटी आनंदी का किरदार निभाया था। अविका उस वक्त घर घर में फेमस हो चुकी थी। सबसे पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट की लिस्ट में ये शुमार होती थी। उसके बाद उन्होंने ससुराल सिमरका में रोली बनकर टेलीविजन पर राज किया, तो अविका लाडो और खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आई थी। अविका ने छोटे पर्दे पर कमाल तो दिखाया ही, तो वहीं अब साउथ सिनेमा के बाद से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं। बता दें कि 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट के साथ अविका ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है और अब ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई भी कर रही है। अगर अविका की कुल संपत्ति का जिक्र करें तो बता दें कि अविका महज अब 26 साल की हैं, लेकिन उनकी कुल संपत्ति इस उम्र में 30 से 35 करोड़ रुपए की है। अविका एक एक फिल्म के लिए मोटा पैसा चार्ज करती हैं। अविका की सैलरी का अंदाज़ा तेलुगु फिल्म से ही लगाया जा सकता है। तेलुगु फिल्म की शूटिंग करने के दौरान महज 10 दिन के लिए अविका को 40 लाख रुपए की फीस मिली थी।